नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। उत्तर प्रदेश में पारा सातवें आसमान पर है और ऐसे में आग का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। लगातार तमाम जिलों से आग से कोहराम मचा हुआ है। आज हमीरपुर, कानपुर, देवरिया, अम्बेडकर नगर, रायबरेली और लखनऊ से आग के मामले सामने आए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, अम्बेडकर नगर, देवरिया, हमीरपुर, कानपुर, रायबरेली, लखनऊ, सभी जगह आग ने तांडव मचाया। कहीं गेहूं के खेत में आग लगी तो कहीं स्कूल में, तो कहीं घर के पास किसी के आग लगी, तो कहीं कई बीघा खेत जलकर राख हो गए, तो कहीं चलती गाड़ी में आग लगने की खबर सामने आई है। देवरिया में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पत्रकारों ने पेपर लीक मामले में बलिया के पत्रकारों को फर्जी रूप से जेल भेजने के खिलाफ और रिहाई के लिए नगर में प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी सलेमपुर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद खबर छापने के विरोध में जिला प्रशासन ने पत्रकारों को टारगेट कर उनके खिलाफ कथित रूप से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया, जिसके विरोध में प्रदेश भर के पत्रकारों ने अपने जनपद में आंदोलन छेड़ दिया है। प्रदर्शन में संगठन के जिला उपाध्यक्ष रामनवल सिंह और संयुक्त मंत्री रामू यादव सहित कई पत्रकार मौजूद थे। फरुखाबाद में एक बार फिर बुलडोजर गरजा है और बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है। तालाब की भूमि पर बने अवैध गेस्ट हाउस को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करवाया। कंपिल नगर पंचायत अध्यक्ष उदयपाल सिंह की ओर से कराए गए निर्माण की जिला प्रशासन ने जांच की और जांच के बाद अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। वहीं कार्यवाही के दौरान SDM गौरव शुक्ला, CO शहराब आलम ने साथ मिलकर भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद रहे और इस अवैध अतिक्रमण को हटाया। देवरिया के ग्राम तिलई बेलवा में श्रीमद् भागवत कथा के पांचवें दिन कृष्ण रूप को देखकर श्रद्धालु झूम उठे। इस कथा के आयोजक आशुतोष मिश्रा ने नंद गोपाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं श्रद्धालुओं ने बाल गोपाल स्वरूप कृष्ण के दर्शन किए। इस दौरान कथावाचक आचार्य संत महेश चंद्र महाराज ने कृष्ण के मनमोहक रूप का वर्णन किया। आज मुख्य रूप से गिरिराज पूजन महोत्सव की कथा का वर्णन किया गया। गिरिराज महाराज का पूजन भगवान ने ब्रजवासियों से इसलिए कराया कि जीव अन्याश्रय से मुक्त हो जाए, केवल भगवान की शरण ग्रहण करे, और सकामी निष्कामी दोनों प्रकार के भक्तों के लिए गिरिराज महाराज आज भी प्रत्यक्ष देवता हैं। आज भी जो लोग ब्रज में किसी भी प्रकार का मनोरथ लेके जाते हैं, गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो सबके मनोरथ गिरिराज महाराज पूर्ण करते हैं। देवरिया से सटे हुए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री सूर्यभान मिश्रा जी के द्वारा रहा है। यह आयोजन अत्यंत सुंदर आयोजन है। श्रीमद् भागवत कथा का मूल उद्देश्य है। रायबरेली में एक कलयुगी बेटे की करतूत सामने आई है। दरअसल कलयुगी बेटे ने अपनी माँ बाप को बेरहमी से पीटा है। कलयुगी बेटा आपराधिक प्रवृत्ति का है, तो वहीं पीड़ित त्रिलोचन सिंह राज्य कर्मचारी थे जो अभी रिटायर हुए हैं। ये कलयुगी बेटा अपने पिता को मार पीट कर अब तक 5 लाख रुपए ले चुका है और अब उसकी नजर रिटायरमेंट में मिले पैसों पर है। हिमांशु सिंह के ऊपर अवैध असलहा, फैक्ट्री संचालक और भू माफियाओं सहित जनपद के विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। तो वहीं अवैध असलहा फैक्ट्री संचालक हिमांशु सिंह के पिता ने कोतवाली में तहरीर भी दी है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 2 में आईएमटी चौक के पास 8वीं मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई। बता दें, मजदूर न्यू निर्माण की साइट पर सरिया बांधने का काम कर रहा था। हादसे के बाद मौके पर पहुंची और मृतक पुलिस ने और मृतक के परिवार को सूचना दी गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लिया गया और मामले की जांच में जुट गए। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां पुलिस ने 102 गुमशुदा मोबाइल को बरामद करके उनके मालिकों को सौंपा और मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को साफ मिली। तो वहीं पुलिस की सर्विलांस टीम ने कड़ी मेहनत के बाद इन मोबाइल को बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि मोबाइल बरामदगी में लगी टीम को 10,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। जनपद सिद्धार्थ नगर में सर्विलांस की टीम ने मोबाइल बरामद किए हैं। लगभग 102 मोबाइल हैं, जिनकी कीमत मार्केट में 10 से 12 लाख रुपया है। और ये विभिन्न लोग हैं जो अपने जनपद सिद्धार्थ नगर के हैं और गैर जनपद के भी रहने वाले हैं, जिनके मोबाइल गुम हो गए थे, खो गए थे या कहीं ट्रैवल करते टाइम गिर गए थे। इस तरीके के मोबाइल को पुलिस ने सर्विलांस पर लेके उनका IMEI नंबर रन करा के बरामद किए हैं और सर्विलांस की टीम ने इसमें काफ़ी मेहनत की है, इसलिए उन्हें 10,000 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। संगम विहार कॉलोनी में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिम जा रहे एक शख्स को बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मार दी। गोली युवक के सीने में लगी, जिससे युवक वहीं बैठा रह गया और मौके पर बदमाश फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। युवक अपना जिम करके बाहर निकल रहा था, उस समय दो लोग मोटरसाइकिल में आए, क्योंकि गोली मारे से सूचना मिला। तो पुलिस मौके पर जाके पता किया है। वो आदमी दूध का कारोबार करता था और ब्याज का भी काम करता था। वो जिम करके बाहर निकलते एक दो लड़के एक मोटरसाइकिल से आके गोली मारा है। गोली मारने के बाद लोग भाग गया है और तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका भी इलाज चल रहा है। रायबरेली जनपद के महाराजगंज तहसील क्षेत्र के कैर ग्राम पंचायत में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और देखते ही देखते लगभग 4 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पाकर SI घनश्याम और डायल 112 मौके पर पहुंचे, तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। बता दें, इस पूरे मामले में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नाम क्या है आपका? राम प्रताप प्रजापत। क्या हुआ है? आगी लगी है पोल पर से। तो लगभग कितना नुकसान हुआ, किस किस का जला है गेहूँ? खड़ा गेहूँ तो लगभग 1.5 बीघा ले सब उधर भरा है और तो ये कटा हुआ था। टोटल कितना जला है? टोटल लगभग 3-3.5 बीघा तो होगा ही। आज के आधुनिक युग में अंधविश्वास पर विश्वास करने वालों की कमी नहीं है, ये अंधविश्वास जान पर भी भारी पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला इगलास कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से सामने आया है। गांव की महिला का झाड़फूंक से इलाज करने के नाम पर गांव सतलोनी के मौलवी ने बर्बरता की। मौलवी ने भूत उतारने के नाम पर महिला से छेड़छाड़ करते हुए जान से मारने का प्रयास किया, जिससे उसकी तबीयत और खराब हो गई और बेहोश हो गई। जहां परिजनों ने मौलवी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, तो वहीं पुलिस ने आरोपी मौलवी आस मोहम्मद को हिरासत में लेकर छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में कार्रवाई की है। मामला ये था कि ये 6-7 दिन से इसकी तबीयत खराब थी, तो इसको क्या मेरे चाचा का लड़का वहाँ लेके गया था, तो इसने क्या कमरे में बंद करके नहीं है उसका इलाज करने का झांसा देकर उससे मारपीट की है। किसने इलाज किया है? ये मौलवी है जो। तो आपको कैसे पता पड़ा कि इनके साथ मारपीट हुई है? नहीं, वहाँ पे मेरे चाचा का लड़का मौजूद था उस टाइम पर। चोट इसके भारी गंभीर है, पूरे शरीर पर चोट है। क्या बीमारी क्या थी? कुछ उपल्ला वो था, चक्कर हवा का चक्कर था। आज ग्राम सतरौली कला में थाना इलाज में एक महिला की पड़ोसी मौलवी द्वारा झाड़फूंक के नाम पे काफ़ी मारपीट की गई है। उसके परिवारी जनों द्वारा मौलवी या लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है, जिसमें तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा मौलवी को गिरफ्तार करके
संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। बलिया में पत्रकारों के आह्वान पर शहर के बंद होने का असर दिखा। बलिया शहर सहित सभी नगर पंचायत कस्बे दुकानें बंद रहीं। इस दौरान अधिवक्ता, छात्र नेता, व्यापारी संगठन, शिक्षक संगठन का समर्थन भी मिला। पेपर लीक मामले में पत्रकारों की गिरफ्तारी का विरोध भी हुआ था। बंद फेल करने को लेकर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्ती दुकान खुलवाने की भी प्रयास किया, लेकिन बंद की अपील करने निकले व्यापारी नेताओं की पुलिस प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। जिला प्रशासन दुकानें नहीं खुलवाने में नाकाम रहे, तो वहीं निर्दोष पत्रकारों की और दोषियों पर कार्यवाही की मांग पर पत्रकार अड़े रहे। पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई है। पत्रकार मोर्चा, पत्रकार संयुक्त मोर्चा, पत्रकार संगठन के कई संगठन इसकी लड़ाई में लड़ रहे हैं और पूर्वांचल दुग्ध व्यापार मंडल पत्रकारों की इस लड़ाई में शुरू से साथ रहा है। और आज जो बलिया बंद का आह्वान किया है, व्यापार मंडल ने घूम घूम कर व्यापारियों से उसमें स्वेच्छा की मांग की है, स्वेच्छा से लोग बंद किए हैं और इसका भरपूर समर्थन किए हैं। अधिवक्ता मनोज है हम सिविल कोर्ट बलिया। पत्रकारों के सम्मान में पूरा बलिया आज मैदान में है और हम लोग पूरे बलिया को बंद कराने के लिए हम लोगों ने शहर की सड़कों पर घूमा और हम लोगों ने देखा कि कहीं हमें बंद कराने की जरूरत नहीं पड़ी। हर मोहल्ले में, हर गली में सारी की सारी दुकानें बंद थी। अगर एकाध दुकानें गलती से खुल गई थी, जिनको जानकारी नहीं थी, उनसे हमने सहयोग की अपील की, वो तुरंत बंद करके सारे लोग सहयोग किए हैं और पूरा बलिया बंद है, कहीं भी दुकान खुली नहीं है। देखिए भाई, सबका सहयोग मिलने का मतलब आप समझते हैं कि जनता जनार्दन होती है और पंच परमेश्वर में ईश्वर की भावना होती है। ये समझ सकते हैं आप कि अगर पूरे संगठन आज पत्रकारों के साथ है तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय हुआ है और पत्रकारों की कलम कहीं ना कहीं ऐसी चली है कि प्रशासन और शासन के होश उड़ गए हैं। यही कारण है कि योगी सरकार तक मिली। हम लोगों को अभी बीच में जो है, कल भी हम लोग जब व्यापारियों को अनुरोध करने के लिए गाड़ी से उन लोगों को बता रहे थे कि भाई कल अगर आप लोग चाहें तो अपनी दुकानें हमारे समर्थन में बंद कर सकते हैं, उस गाड़ी को भी उन लोगों ने बंद भी करने का काम किया। और कोतवाल कहते रहे कि RTO ने बंद किया, RTO कहता था कि कोतवाल ने बंद किया, वो कह रहे हैं कि PSI ने बंद किया है। आपस में एक दूसरे पे करते रहे और उसको ले जा करके थाने में बंद कर रखा था। आज भी हम लोगों के साथ जो लोग घूम रहे थे उनमें से कई लोगों को धमकाया गया, कई लोगों को जो है गाड़ियों हम लोगों के साथ जो थी उनको बंद भी किया गया, बीच में कोतवाल द्वारा रोका गया, लेकिन फिर भी सारे व्यापारी उत्साहित थे और व्यापारियों ने खुद ही दुकानें नहीं बंद की है, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा है। हम लोगों ने घूम करके देखा भी है, सब सारी दुकानें स्वतः रूप से, स्वैच्छिक रूप से सारे लोगों ने बंद कर रखा है। किसी को हम लोगों ने कोई जोर दबाव नहीं दिया है, सब ने प्यार से सभी लोग पत्रकारों के समर्थन में दुकानों को बंद किए हैं और इसके लिए हम सभी व्यापारियों को धन्यवाद देते हैं और बलिया की जनता को भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो आज अपने घरों से ही नहीं निकला है और सब लोग अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं। और देश में कोरोना का कहर जारी है, वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 975 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। नए आंकड़ों के साथ ही देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,30,40,947 हो गई है। वहीं इस संक्रमण के कारण 4 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 5,21,747 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 11,366 एक्टिव मामले हैं और कुल संक्रमितों का 0.03% है। खबर अलीगढ़ से है, जहां तापीय विद्युत कासिमपुर पावर हाउस परियोजना ने किसानों की जमीन का मुआवजा नहीं दिया है, जिसके बाद किसानों ने कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार अधिकारियों को ही नहीं बदला गया, जिससे किसानों को पिछले 4 सालों में उनकी भूमि मुआवजा नहीं मिला है। लगातार शिकायत करने के बाद और 4 बार पैमाइश के बाद भी किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला और जब किसान अपनी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं तो थाना जवा की पुलिस किसानों को जेल में डालने की धमकी देती है। इसी मामले में मायूस किसान परेशान होकर जिला कलेक्ट्रेट गेट पर अनशन पर बैठ गए। पावर हाउस वालों ने घेर रखी है, ना तो मुआवजा दे रहे, ना जमीन दे रहे हैं। और हमने सब जगह शिकायत करी, सब जगह एप्लीकेशन दिए और ना कोई सुनवाई हुई। तो हम एप्लीकेशन आला अधिकारी हुआ, आपने यहाँ पे दिल्ली प्रशासन को दी थी? सब जगह दिए, सब जगह कोई तरह से। किस तरह का एप्लीकेशन मिला था? वो बोल देते हैं कि 8 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 1 महीने का टाइम रख लेते हैं, कभी 2 महीने का टाइम दे देते हैं। अब हम सब जगह से
एप्लीकेशन दे के परेशान हो गए, हम अब भूख हड़ताल पर बैठ गए और यहाँ से मुख्यमंत्री तक हमने भेजी है एप्लीकेशन। जी एम साहब ने जमीन की पैमाइश कराई थी, अब क्या कह रहे हैं? अब वो तो टाइम मना कर रहे हैं, टाइम देते ना जमीन दे रहे ना मुआवजा दे रहे। संभल के गुन्नौर में नवागत डीएम मनीष बंसल तहसील दिवस पर फरियादियों की समस्या सुनने पहुंचे। तहसील दिवस पर डीएम ने जमीन से संबंधित विवादों का संज्ञान लिया। परेशान लोगों की बात सुनते हुए डीएम ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर जमीन विवाद का निपटारा होगा, वहीं भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की सभी योजनाओं पे फोकस रहेगा, सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। वर्तमान में विशेष रूप से जो अभियान सरकार के चल रहे हैं, जिसमें स्कूल चलो अभियान इस समय प्राथमिकता पर है, इसके साथ साथ चिकित्सा विभाग के मिशन इंद्रधनुष का अभियान है या फिर वैक्सीनेशन को लेकर जो कार्रवाई की जा रही है, इन दो तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। खासतौर पर संभल जनपद में जो लिटरेसी रेट है उसमें काफ़ी कमी है, ये देखी गई है, और इसको बेहतर करने के लिए हम लोग स्कूल चलो अभियान को एक अच्छी गति देंगे ताकि अधिक से अधिक लोग स्कूल में एनरोल हों, स्कूलों में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले। और इसी प्रकार से हमारे जो सीएचसी पीएचसी हैं या अस्पताल हैं, जिला अस्पताल हैं, वहाँ पे लोगों को इलाज अच्छा इलाज मिले, समय पर इलाज मिले, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्घटना या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि लोगों में आक्रोश हो। बस्ती में अवैध शराब कारोबारियों के गढ़ में पुलिस ने छापेमारी की। एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश में माझा क्षेत्र में एक गांव छतौना में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस के हाथ सफलता लगी है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब, लहन और शराब बनाने के उपकरण के साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी करने वाली टीम में एसओ रोहित कुमार, एसएसआई श्याम मोहन त्रिपाठी, एसआई बीरेंद्र यादव शामिल रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।